मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेटल डाउन फास्ट फर्स्टली। 8 थी बेटा, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठो। 8 थी, यस 8 थे। टर्न ऑन योर कैमरा, 8 थे, अपना कैमरा ऑन करो। यस 8 थे, टर्न ऑन योर कैमरा। यस 8D, टर्न ऑन योर कैमरा। एंड यस स्टूडेंट्स, फटाफट बैठो। 8D बेटा, जल्दी से सेटल हो। 8F, जल्दी से सेटल हो बेटा, जल्दी से अपने सीट पे बैठो। और बाकी सब अपनी नोटबुक्स, बाकी क्लासेस में आई कैन सी यू आर राइटिंग समथिंग, बेटा बंद करो। जस्ट टेक आउट योर स्टेम क्लास नोटबुक, जो अभी के आपकी नोटबुक है सिर्फ वो होनी चाहिए, और पेन पेंसिल। अदरवाइज आई विल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर एंड शेयर विद योर प्रिंसिपल। ओके 8B बेटा, क्या लिख रहे हो? मैंने तो अभी कुछ लिखने को नहीं दिया। 8B, व्हाट आर यू राइटिंग? यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। मैंने किसी को अभी लिखने का काम नहीं दिया। स्टॉप राइटिंग। और बेटा ये इतनी किताबें आपके बेंच में क्या कर रही है? जस्ट टेक आउट योर स्टैंड नोटबुक। टीचर्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मेक श्योर स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग एनी अदर वर्क इन द क्लास। प्लीज मेक श्योर। बेटा आप सबके डेस्क में सिर्फ स्टेम की नोटबुक होनी चाहिए, नथिंग एल्स, एंड पेन पेंसिल। ओके यस, नाउ सेटल डाउन फास्ट बेटा। 8G बेटा, जल्दी से सेटल हो जाओ। यस नाउ क्विकली एवरीवन, रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स एवरीवन, रब योर हैंड्स फास्ट। एंड नाउ पुट योर हैंड्स ऑन योर आईज, पुट योर हैंड्स ऑन योर आईज। यस यस, नाउ स्टॉप, स्टॉप बेटा। एट हैंड स्टॉप। यस दैट्स फाइन, दैट्स गुड। सो नाउ वी हैव लर्न्ड और वी डिड द असाइनमेंट यस्टरडे। ठीक है, हमारा जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर ओवर हो गया है। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिलेटेड टू दिस, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ओके सो नाउ इन द दिस चैप्टर, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, वी शुड अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स। ओके एंड द फर्स्ट टर्म दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, राइट डाउन इन योर नोटबुक, दैट इज ग्लैंड। ग्लैंड, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ग्लैंड? एनी ऑफ यू? बेटा 8G के अलावा और कोई, परमवीर के अलावा? यस 8 थे से, फर्स्ट बेंच बेटा। यस 8 थे से। Those organ that secrete particular chemicals are called glands. Those secretes particular chemicals. So, is it necessary they should be organ? If these are organ, then why we are calling it gland? हम तो सिंपली, we can simply say it ना कि organ secrete chemicals, so it's organ system. So why we are calling it glands? क्या सभी के सभी ऑर्गन सिक्रीट करते हैं केमिकल्स? और क्या जो सिक्रीट करते हैं क्या वो हमेशा यूजफुल ही होते हैं? सो फर्स्टली, फर्स्टली नोट डाउन एवरीवन, ग्लैंड लिखो अपने उसमें टॉपिक। फर्स्ट इज ग्लैंड, राइट डाउन ग्लैंड। Glands are structures. Glands are structure
glands are structure that produce or secrete useful chemicals. So it is very necessary or important to know now the chemicals that they are secreting. These are useful. These are not harmful to us in normal case. Okay? So structure that produce or secrete chemicals are called ग्लैंड्स. ठीक है, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं. अब ये जो ग्लैंड्स हैं, दे आर फर्दर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स. सो बेटा पहले बताओ, ये चैप्टर अपनी क्लास में हो चुका है? यस मोर इजी टू अंडरस्टैंड, है ना? फिर तो इजी अंडरस्टैंड करने में. नाउ फ्रॉम द 8th A 15 रोल नंबर कम फॉरवर्ड. 8th A 15 रोल नंबर. आवाज नहीं. यस बेटा, कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ टू ग्लैंड्स? इट इज ऑलरेडी डन इन योर क्लास. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ टू ग्लैंड्स? हमने अभी कहा ग्लैंड्स क्या है, जो केमिकल सिक्रीट करते हैं, है ना? अब जो केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं, ओके, यू सिट डाउन बेटा, सिट डाउन. इसी के साथ नेक्स्ट सेम क्लास से सेकंड रोल नंबर आ जाओ, टू रोल नंबर, सेम क्लास 8th A से. मीनवाइल अंडरस्टैंड ग्लैंड्स क्या है. मैम शी इज एब्सेंट। इज एब्सेंट. बट व्हाट अबाउट 23 रोल नंबर? देन 23 रोल नंबर कम फॉरवर्ड. सो यस, सो ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस और सिक्रीट यूजफुल केमिकल्स. अब केमिकल सिक्रीट कर लिया, ठीक है बेटा, पहले सुनना. केमिकल सिक्रीट कर लिया, अब जो सिक्रीट किया है केमिकल, वो कहीं जाना चाहिए, है ना? कहीं तो जाना चाहिए. अगर हमने कुछ सामान बनाया, इट शुड गो समवेयर और इट शुड रीच समवेयर, है ना? अब वो जो जाएगा ग्लैंड से, ठीक है, जहां पर वो रिक्वायर्ड है, अब वो किस वे में जाएगा? बेस्ड ऑन दैट वी क्लासीफाई ग्लैंड इंटू टू टाइप्स. नाउ टेल मी दैट टू टाइप्स. यस, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन है. सेकेंड इज वॉट? नॉन एंडोक्राइन। एक एंडोक्राइन, एक नॉन नॉन एंडोक्राइन. सिट डाउन बेटा. बी सेक्शन से सेवन रोल नंबर आ जाओ. बी सेक्शन. फ्रॉम द बी सेक्शन सेवन रोल नंबर. बेटा कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सेकेंड कैटेगरी ऑफ द ग्लैंड? मैम ओके, यू ऑल्सो सिट डाउन. 21 रोल नंबर, सेम क्लास. बेटा दैट इज ऑलरेडी इन योर यू नो बुक. यस, 21 रोल नंबर. आई डोंट नो। यू ऑल्सो डोंट नो. 39 रोल नंबर. थर्टी नाइन रोल नंबर इज प्रेजेंट और नॉट? यस बेटा, जिसके पास माइक है वो बताओ. 39 रोल नंबर इज प्रेजेंट. नॉट प्रेजेंट, नो। ओके, एब्सेंट है. ओके, सी सेक्शन में चलते हैं फिर. सी सेक्शन 14 रोल नंबर. सी सेक्शन 14 रोल नंबर इज प्रेजेंट. सो यस बेटा, टेल मी द सेकेंड कैटेगरी ऑफ ग्लैंड. कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज एंडोक्राइन, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. अभी मैं किसी ग्लैंड का नाम नहीं पूछ रही. आई एम आस्किंग अबाउट द कैटेगरी. लाइक फर्स्ट इज एंडोक्राइन, सो व्हाट वुड बी द सेकंड वन? यू डोंट नो. ओके, सो किसको पता है इन पूरे के पूरे सेवन सेक्शंस में से? जस्ट रेज योर हैंड. इन
सेवन सेक्शन, हु कैन टेल मी? ओके एट जी परमवीर, यस बेटा आप ही बताओ। एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन, दैट्स गुड बेटा, एक ही बच्चा पढ़ गया है एक्सोक्राइन ग्लैंड। राइट डाउन, सब लिखो, किसी को नहीं आता, नोट डाउन दिस। फर्स्ट इज एंडोक्राइन, सेकंड इज एक्सोक्राइन, एंडो एंड एक्सो, सब इसको लिखो पहले। अब इसमें पहले हम करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि एंडोक्राइन ये आपको थोड़ा बहुत तब भी पता है। नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड, पहले तो हमें पता है ग्लैंड क्या करता है। यस, ग्लैंड क्या करता है? रोल नंबर 8C से 36, 8C 36, ग्लैंड क्या करता है? हमने सबसे पहले स्टार्ट ही इससे किया है, 8C से। चलो 8C 36 रोल नंबर, कम फॉरवर्ड एंड टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड यस बेटा, सिक्रीट सम यूजफुल हॉर्मोन्स और केमिकल्स। यूजफुल हार्मोन्स। अभी हार्मोन्स पे नहीं आएंगे, अभी हम सिर्फ केमिकल्स। यस दैट्स गुड, सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड। सो वी नो दिस इज ग्लैंड, सो इट मस्ट सिक्रीट और प्रोड्यूस केमिकल। ठीक है, उसने कोई यूजफुल केमिकल सिक्रीट किया। अब उसने जो सिक्रीट किया किस लिए किया, किस लिए किया बताओ? इसलिए किया क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड बाय आर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी जरूरत है। हमारी बॉडी कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करती। अगर हमारी बॉडी इस टाइम सलाइवा बना रही है, अभी हम हमारे मुंह में जो है सलाइवा है, क्यों है? इट इज रिक्वायर्ड बाय आर बॉडी। हम सांस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? हम सोच नहीं रहे, वो अपने आप चल रहा है प्रोसेस, क्योंकि हमारी बॉडी को वो चाहिए। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया है, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग ऑन दिस। आपकी बॉडी में अभी वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, बिकॉज योर बॉडी नीड दिस। सो योर बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो हमारे कहे बिना ये जो काम है खुद करती है। अब ऐसे ही हमारी बॉडी ग्लैंड्स जो है, बॉडी में जो ग्लैंड्स है वो केमिकल सिक्रीट कर रही है, यूजफुल केमिकल है। सो यूजफुल केमिकल्स मतलब ये तो हमें चाहिए, आर बॉडी नीड दीज केमिकल्स। इट मीन्स नाउ दीज केमिकल्स, अब ये जो केमिकल्स हैं कहीं पे तो वर्क करेंगे, कहीं तो ये रिक्वायर्ड होंगे, दैट्स व्हाई दीज ग्लैंड्स आर प्रोड्यूसिंग दीज केमिकल्स। नाउ अब इस ग्लैंड ने, सपोज कर लो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ ग्लैंड, इसने जो है केमिकल प्रोड्यूस किया है। ओके, ये केमिकल प्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये केमिकल्स है जो इससे प्रोड्यूस हुए हैं, बट इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड बाय दिस ऑर्गन। ठीक है, और या फिर इस जगह में ये चाहिए, यहां पर ये जाना चाहिए। अब ये कैसे जाएगा? जैसे अभी आप स्कूल में हो, आपको एजुकेशन चाहिए, तो आप घर से स्कूल तक आते हो, है ना? स्कूल तक आते हो तब आपको एजुकेशन मिलती है। नाउ यहाँ पर हमारा केमिकल्स बन गया, ये ग्लैंड है जिसने जो है केमिकल बनाया, लेकिन ये जाना कहाँ है? यहाँ पर। अब ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक जाने तक का, जहां पर ये इसको चाहिए, जहां पर इसका एक्शन होना है, काम होना है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन की थी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन में क्या होता है बेटा, इसको बड़े ध्यान से सुनो, लिसन इट केयरफुली, फर्स्टली डोंट राइट एनीथिंग, स्टॉप राइटिंग। ठीक है, ये जो केमिकल है एक्सोक्राइन वाले केस में डायरेक्टली, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डायरेक्टली खुद अपने आप से जहां पर ये चाहिए वहां पर उसको डालता है, मतलब उसका खुद का सर्विस है, खुद जाके, खुद उसका पाइप है। ठीक है, वो किसी की मदद नहीं लेता। अगर इसने यहां से यहां तक जाना है तो ये देखो इसका पाइप का नेटवर्क है, ठीक है, एंड दीज पाइप्स आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड डक्ट। तो आपने ये डक्ट वर्ड अपनी नॉर्मल लाइफ में सुना होगा, एसी का डक्ट कहते हैं हम, एसी का डक्ट, एसी की पाइप्स। ठीक है, सो डक्ट यू मस्ट हैव हर्ड समवेयर,
सो डक्ट मीन्स पाइप, तो इसकी खुद की पाइप्स होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो अपनी पाइप से डायरेक्टली जहां पर ये चाहिए, जहां पर इसका एक्शन होना चाहिए, जिस ऑर्गन में ये चाहिए वहां पर डायरेक्टली इसको डालता है, ठीक है, किसी के थ्रू, किसी की हेल्प नहीं ले रहा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, कौन कौन पिज्जा खाता है, हैंड रेज करो, बहुत खाते होंगे, सभी के हैंड्स रेज होने हैं इसमें, तो रेज योर हैंड, मुझे पता है बेटा सब खाते हो, शर्मा क्यों रहे हो, आई नो यू ऑल मस्ट हैव पिज्जा, कभी कभार तो चलो सभी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, है ना। अब अगर हमने सपोज कर लो डोमिनोज या पिज्जा हट पे कॉल किया है और ऑर्डर प्लेस किया है, तो हमें देने कौन आता है? अगर मैंने पिज्जा हट पे ऑर्डर किया है तो जो डिलीवरी बॉय है वो कहाँ का होता है? पिज्जा हट की शर्ट पहनी होती है या डोमिनोज की? टेल मी, सबके माइक ऑन है, बोलो, स्पीक आउट। अगर मैंने पिज्जा हट पे ऑर्डर प्लेस किया है तो मेरे पास जो पिज्जा देने आएगा वो कौन होगा? पिज़्ज़ा पिज्जा, यस, हट कंपनी पिज्जा हट कंपनी का आएगा, उन्हीं का खुद का डिलीवरी जो बॉय है या गर्ल है, दैट विल डिलीवर पिज्जा टू मी, है ना, वही ऑर्डर मुझे डिलीवर करेगी, डोमिनोज वाला थोड़ी ना मुझे पिज्जा हट का डिलीवर करेगा। सो सेम कंपनी, सेम डिलीवरी पर्सन, जो कि हमें सामान दे रहा है जहां पर ये चाहिए, ठीक है, बीच में कोई और नहीं, डोमिनोज वाला या कोई और कंपनी वाला जो है हमें वो पिज्जा नहीं दे रहा, जहां पर ऑर्डर किया वही कंपनी का डिलीवरी बॉय और गर्ल हमें पहुंचा रही है। इज इट क्लियर? रेज योर हैंड इफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इज क्लियर, रेज योर हैंड इफ इट्स क्लियर, ओके, सभी का हैंड रेज है। चलो फिर 8C से ही आ जाओ, 22 रोल नंबर, 8C 22 रोल नंबर, इट्स प्रेजेंट, 8C 22 रोल नंबर, यस, 8C 22 रोल नंबर इज प्रेजेंट और एब्सेंट, मैं प्रेजेंट ओके बेटा टेल मी, अभी नॉर्मल नॉर्मल वे में आपने मुझे बताया ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, कैसे काम करता है? ग्लैंड दैट पासेस केमिकल बाय द डक्ट। थ्रू देयर ओन डक्ट, अभी कैसे, इट पोर देयर केमिकल डायरेक्टली इनटू एन ऑर्गन और वेयर साइट ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड, जहां पर वो डायरेक्टली खुद ही कर रहा है। चलो लिखो इसको पहले, चलो सेट डाउन बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पुट देयर केमिकल, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पुट देयर केमिकल डायरेक्टली, पुट देयर केमिकल डायरेक्टली इनटू द, डायरेक्टली इनटू द साइट ऑफ एक्शन, डायरेक्टली इनटू द साइट ऑफ एक्शन, डायरेक्टली इनटू द साइट ऑफ एक्शन थ्रू देयर डक्ट्स, थ्रू देयर डक्ट्स, थ्रू देयर डक्ट्स, डक्ट की स्पेलिंग है रही, थ्रू देयर डक्ट्स। तो यहां पर देखो डेफिनेशन को ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो जो उसने केमिकल ये रिलीज किया है जहां पर फिर ये चाहिए, वेयर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये जो केमिकल है अपने डक्ट्स, खुद के डक्ट्स के थ्रू जहां पर ये केमिकल का एक्शन होना चाहिए वहां पर ये डायरेक्टली पोर करता है, डायरेक्टली उसमें डाल देता है, ठीक है, किसी और की हेल्प नहीं लेता, ठीक है, सो दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो अभी हम सब फील कर सकते हैं, सबके मुंह में सलाइवा है, सो सलाइवा कहाँ से आया है? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है बेटा वो हमारे जो है जहां दांत खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उसके यहां पर प्रेजेंट है और एक पीछे को प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो सलाइवरी ग्लैंड है उन्होंने हमारी जो माउथ की कैविटी है, कैविटी क्या होती है, होलो स्पेस, या आप ये समझ लो खोखली जगह, एम्प्टी स्पेस, ठीक है,
अब हमारा माउथ क्या खाली है ना, सब अपना मुंह खोलो, ओपन योर माउथ वाइडली, सब खोलो बेटा, पता तभी लगेगा, हंसने से नहीं पता लगेगा। ओपन योर माउथ वाइडली, साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हो जहां पर हम प्रैक्टिकली उसको देख सकते हैं, वेयर इट इज एप्लीकेबल, परफॉर्म दैट, ठीक है? ओपन योर माउथ, आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम, ओके? कैन यू सी द कैविटी? इट्स द कैविटी, माउथ कैविटी, इट इज कॉल्ड माउथ कैविटी। यहां पर कुछ नहीं है, खाली जगह है, इट्स एम्प्टी। जो सलाइवरी ग्लैंड है यहां पर जो प्रेजेंट है, वो जो केमिकल उसने सीक्रेट किया है, दैट कम्स डायरेक्टली इनटू आवर माउथ कैविटी। वो अपनी जो हमारी जो उसने केमिकल सीक्रेट किया है, सलाइवा जो सीक्रेट किया है, वो डायरेक्टली हमारे माउथ कैविटी में आ रहा है थ्रू देयर डक्ट्स, उसके डक्ट्स के थ्रू, ठीक है? किसी और चीज के थ्रू नहीं आ रहा। कौन सी चीज? दैट आई विल टेल यू। सो दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, जहां पर बना वही चीज जो है उसे डाल रही है सीधा, ठीक है? दैट इज एक्सोक्राइन। नाउ कमिंग टू सेकेंड कैटेगरी, दैट इज एंडोक्राइन। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन। नाउ एंडोक्राइन इज बिट डिफरेंट फ्रॉम एक्सोक्राइन, इट्स डिफरेंट फ्रॉम एक्सोक्राइन। हाउ? नाउ देयर ट्रांसमिशन, और वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज डिफरेंट, उनका केमिकल पहुंचाने का तरीका अलग है। एंडोक्राइन क्या करता है, सपोज कर लो दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और उसने एक केमिकल सिक्रीट किया है, ये केमिकल है इसने सिक्रीट किया, बनाया है, ठीक है? इट्स द केमिकल। अब ये जो केमिकल है, ये जाना चाहिए टू दिस ऑर्गन, मतलब ये साइट ऑफ एक्शन है इसकी, वी कैन से साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन मतलब जहां पर इस केमिकल ने काम करना है, जहां पर ये चाहिए हमें, ठीक है? वेयर इट इज रिक्वायर्ड। अब यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, इसके पास केमिकल है, लेकिन ऑर्गन के पास यहां पर जहां पर काम चाहिए वो यहां पर है। हाउ इट विल गो इन एक्सोक्राइन, वी अंडरस्टैंड एंड वी लर्न, यहां पर इसका खुद का पाइप होता है, डक्ट होता है एक्सोक्राइन का, वो डायरेक्टली जो बनाता है वो पहुंचा देता है, ठीक है? जैसे अगर हम एग्जाम्पल करें कि जैसे पिज्जा वाला हमने लिया, उसे एड्रेस पता है, तो वो सीधा उसने वहां पर एक खुद का डिलीवरी बॉय भेजा और भेज दिया, ठीक है? उसको किसी और की, बाहर के सोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ इन दिस केस दे डोंट हैव डक्ट्स, उनके पास डक्ट नहीं है, पाइप नहीं है। नाउ हाउ विल दे यू नो ट्रांसपोर्ट देयर केमिकल्स? सो फर्स्ट थिंग यहां पर लिखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के आगे, डक्टलेस ग्लैंड्स, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, मतलब उनके पास पाइप्स नहीं है, दे डोंट हैव पाइप नेटवर्क, ठीक है? इनके पास पाइप नहीं है। अब आप सोचो पाइप नहीं है कैसे जाएगा, हाउ इट विल गो? इसका क्या मतलब हुआ, दे नीड हेल्प, दे नीड अनदर मीडियम, येस और नो? यस, है ना? अगर आपने सपोज कर लो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हमारे पास पोस्टमैन या कोरियर सर्विस आती है ना, कोरियर आता है, हमने ऑर्डर किया जो भी है, सपोज कर लो अमेजोन पे ऑर्डर कर दिया, वी प्लेस एन ऑर्डर इन अमेजोन। अब क्या होता है, अब हमारे ही तो ऑर्डर नहीं है अमेजोन के पास, बहुत लोगों का ऑर्डर है। अब जो कोरियर वाला है, उसको आपने कभी देखा होगा, वो जब आता है तो इतना सारा बैग होता है उसके पास फिल्ड, उसमें उसके पास अलग अलग पार्सल्स होते हैं, एंड इन दैट पार्सल एड्रेस ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन हु प्लेस्ड ऑर्डर इज मेंशन, है ना? उसमें एड्रेस लिखा होता है उस जो भी पर्सन है, देन डिपेंडिंग अपॉन कि क्या नाम है, क्या लोकेशन है, वो सबके घर में जहां जहां है एड्रेस है वहां पर वो बेस आगे आगे देता चलता है, ठीक है? हमने ऑर्डर कहाँ प्लेस किया, अमेजोन पे। दे कौन रहा है, कोरियर सर्विस वाला दे रहा है, और दे किस किस को रहा है, जहां जहां वो एड्रेस मेंशन है, जहां जहां का उसके पास पार्सल है, गॉट इट? तो अब इसको हम लिंक करते हैं एंडोक्राइन से, केमिकल कहां बना, एंडोक्राइन में, चाहिए कहां, यहां पर। अब हमें यहां पर कोरियर पर्सन चाहिए,
नीड कोरियर पर्सन हु कैन ट्रांसपोर्ट दीज केमिकल्स फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया वेयर देयर एक्शन इज रिक्वायर्ड। सो कैसे जाएगा? हमारी बॉडी में एक मीडियम है, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट मीडियम? यस, ब्लड, ब्लड। ब्लड स्ट्रीम। हमारे बॉडी में एक बहुत अच्छा मीडियम है, दैट इज ब्लड। सो नाउ हियर ब्लड इज गोइंग टू हेल्प एंडोक्राइन ग्लैंड। सो अब ब्लड जो है इससे केमिकल लेगा और इसको जो है जहां इट वेयर इट इज रिक्वायर्ड इट विल अनलोड और वी कैन से ट्रांसपोर्ट केमिकल। तो अभी कहीं भी हो सकता है, रिक्वायर्ड माइट बी दो ऑर्गन्स को चाहिए हो, तीन ऑर्गन्स को चाहिए हो, तो वहां वहां ये देता जाएगा। सो नाउ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर हाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सोक्राइन। रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। ओके, 8D, 8D, इज इट क्लियर? डी सेक्शन, डी सेक्शन आई एम ऑडिबल? डी सेक्शन, 8D, 8D, एम आई ऑडिबल? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन एनी वे। 8D, Yes. ओके, यू आर ऑडिबल। सो स्टूडेंट, कैन यू टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नाउ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड? बेटा अपना माइक ऑन करके चले जाओ, आप टर्न ऑन योर माइक, बस आप जाओ, ये अपने आप वॉइस कैप्चर करता है। यस, नाउ स्पीक अप। यस स्टूडेंट्स, बोलो, क्या आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का डिफरेंस पता लगा? रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। ओके, लेकिन मुझे कॉर्नर बॉयज फर्स्ट रो और जो गर्ल्स है उनका मुझे हैंड नहीं दिख रहा, इसका मतलब उन्हें समझ नहीं आया। यस, ओके, अब आ गया। बेटा मुझे कितनी बार बोलना पड़ा फिर जाके आपको समझ आया। ओके, सो अब 8E से, ओके 8D से ही, 8D से 6 रोल नंबर आ जाओ बेटा, 6 रोल नंबर एब्सेंट। एब्सेंट है, 12 रोल नंबर आ जाओ, 12 रोल नंबर। यस बेटा, अभी जो हमने बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड समझा, जस्ट गिव मी यू नो इन लेमन लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या आपको समझ आया, जस्ट टेल मी दैट। ओके, ग्लैंड। डकलेस, और ये फिर कैसे पहुंचाता है केमिकल जो है जहां पर चाहिए, वेयर इट इज रिक्वायर्ड, हाउ इट ट्रांसपोर्ट दैट केमिकल? मैम बाय बाय ब्लड। ब्लड, दैट्स गुड। सिट डाउन बेटा, सिट डाउन, सिट डाउन। सो नाउ एवरीवन राइट डाउन अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। नाउ राइट डाउन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट केमिकल्स, सिक्रीट केमिकल्स एंड पोर इन ब्लड। पोर मतलब डालना, पोर इन ब्लड, मैंने स्पेलिंग लिख दिया बेटा बोर्ड में, यू कैन नोट डाउन। एंड पोर इन ब्लड, एंड पोर इन ब्लड फुल स्टॉप। द ब्लड ट्रेवल्स इन अ होल बॉडी, द ब्लड ट्रेवल्स इन अ होल बॉडी, द ब्लड ट्रेवल्स इन अ होल बॉडी एंड सप्लाइज स्पेसिफिक, एंड सप्लाइज स्पेसिफिक केमिकल्स, एंड सप्लाइज स्पेसिफिक केमिकल्स एट स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक केमिकल्स एट स्पेसिफिक साइट। मैं फिर से बोल देती हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट केमिकल्स एंड पोर इन ब्लड फुल स्टॉप। द ब्लड ट्रेवल्स इन अ होल बॉडी, द ब्लड ट्रेवल्स इन अ होल बॉडी एंड सप्लाइज
स्पेसिफिक केमिकल्स एंड सप्लाई स्पेसिफिक केमिकल्स एट स्पेसिफिक साइट, एट स्पेसिफिक साइट। ठीक है, अब जो हमने यहां पर बेटा केमिकल यूज किया, यूजफुल केमिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल दैट इज यूजफुल सिक्रीट बाय बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दैट इज कॉल्ड हॉर्मोन। एंड हॉर्मोन जो वर्ड है इसका मतलब होता है अराउज और स्टिमुलेट, मतलब कोई चीज को एक्टिवेट करता है ये। ठीक है, हार्मोन्स का मतलब होता है अराउज और स्टिमुलेट, मतलब किसी चीज को ये एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, और इसको हम क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर वहां पर ये काम कर रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है, सो हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, एंड यू कैन नोट डाउन और वी वेट, नॉट नोट डाउन। अच्छा, ये हो गया बेटा सबका, हैव यू डन दिस? चलो अब आ जाते हैं एक्सोक्राइन का बेटा, वही पार्ट था जो हमने कर लिया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन मोर डिटेल अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का हमें मतलब पता लग गया कि मतलब वो खुद कहीं नहीं जाएगा, खुद के पास उसके पास कोई डक्ट्स नहीं है, पाइप नेटवर्क नहीं है, ब्लड की हेल्प लेगा। ठीक है, अब हमारी बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंड इन आर बॉडी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन्स ओनली, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबने ऐसे बनाना है बेटा, एवरीवन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट। Draw this structure first. सबसे पहले जो ग्लैंड है, सबसे पहला जो ग्लैंड है वो हमारे हमारे ब्रेन जो है उसके बेस में प्रेजेंट है, जहां पर ब्रेन का जो बेस है वहां पर, और अगर हम कहें हमारी जो नाक की ब्रिज है, जहां पर ये नाक की ब्रिज है इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट है। कहां पर? ब्रेन के बेस में, जहां पर नीचे वाला पार्ट खत्म हो रहा है, और जहां हमारा नोज का ब्रिज है उसके पीछे सबसे पहला ग्लैंड जो हमने पढ़ना है एंडोक्राइन में, दैट इज प्रेजेंट हियर, सो दैट लाइक दिस, ड्रॉ दिस लाइक दिस, दिस इज अ फर्स्ट ग्लैंड दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस। पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स अ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स अ पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां पर बेटा ये डायग्राम बनाया है, एक पेज पूरा ये डायग्राम का, उसके नेक्स्ट पेज पे हम इनके साथ साथ फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, इन वन पेज वी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, अच्छे तरह बनाना है, और एक और टेक नेक्स्ट पेज, इन दैट पेज यू राइट द फंक्शन ऑफ दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, सो इन पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? Because it controls the function नॉट ऑल, वी कैन से मेजर ऑफ, वी कैन से ऑर्गन्स और ग्लैंड्स, है ना, सो वी कैन से दैट, सो बिकॉज इट कंट्रोल्स मास्टर, हम वर्ड वैसे भी यूज करते हैं ना जब डॉग के लिए कहते हैं, डॉग्स मास्टर, जो उसको पाल रहा है उसको बताता है क्या करना है, सो सिमिलरली
पिट्यूटरी ग्लैंड्स टेल मेनी ग्लैंड्स और ऑर्गन्स व्हाट टू डू, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम मोर थिंग्स. फर्स्ट पॉइंट ये लिखो, सेकंड लिखो, इट इज अ स्मॉलेस्ट, इट इज अ स्मॉलेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आर बॉडी, प्रेजेंट इन आर बॉडी. सबसे छोटा ग्लैंड है बेटा ये हमारी बॉडी में. इट इज इफ वी से स्मॉलेस्ट, ये आपकी नॉलेज के लिए एक चीज लिखवा रही हूं, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू राइट डाउन. इट इज जस्ट 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ साइज, इसका साइज सिर्फ इतना है, 1.25, 1.25. थर्ड इज इट इज लोकेटेड, वैसे मैंने आपको बता दिया है, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन एंड एंड बिहाइंड द ब्रिज नोज. पहले ये तीन चीजें लिखो, राइट डाउन दिस. डन, यस स्टूडेंट, इट इज डन. मैम यस। सो दिस इज अ फीचर ऑफ दिस. नाउ इन नेक्स्ट पेज ड्रॉ अ टेबल, एक टेबल बनाओ, ठीक है, जिसमें पहले हमने लिखना है हार्मोन्स, सो नॉट हार्मोन्स, ग्लैंड, ठीक है, विच ग्लैंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंड देयर फंक्शंस. और वेट, वी कैन डू वन मोर थिंग बिफोर फंक्शन, वी कैन राइट हार्मोन्स दे सिक्रीट, ग्लैंड हार्मोन देन फंक्शंस, कंप्लीट. सो ड्रॉ दिस टेबल फर्स्ट. सो फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विथ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. इट सिक्रीट्स मैनी हार्मोन्स, सो हियर इट इज मेंशन, वी कैन से इट सिक्रीट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इट सिक्रीट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स मतलब जो काम करवाते हैं, जो जब कहीं जाएंगे जिस ऑर्गन में जाएंगे उसको एक्टिवेट करेंगे, काम करने के लिए पुश करेंगे. सो वी कैन से एग्जाम्पल इज FSH, TSH, ओके, मैनी मोर, बट आपके सिलेबस के हिसाब से, आपकी क्लास के हिसाब से जस्ट मेंशन दीज टू, ठीक है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड देन और दीज हार्मोन्स, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? डाइजेशन नॉट एग्जैक्टली डाइजेशन, खाना डाइजेस्ट होके बॉडी में लग रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, एनर्जी मिल रही है, सो दैट इज व्हाट मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, एक में बनता है एक में टूटता है, ठीक है. सो अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है वो जो है किससे कंट्रोल हो रहा है, अकेला पिट्यूटरी से नहीं होता, मेन वैसे होता है जब ये स्टिमुलेट करता है थायराइड को, जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. सो दैट इज व्हाट, देन इट ऑल्सो कंट्रोल्स ग्रोथ, इट कंट्रोल्स ग्रोथ,
क्योंकि एक ग्रोथ हार्मोन जो है उसको भी रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव हमारे जो हार्मोन्स है, दीज आर सिक्रीट बाय दीज, ओके। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो यू कैन सी मेजर जो हमारे बॉडी में सिस्टम है दैट इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक है। वॉटर सॉल्ट बैलेंस, ओके। सो दीज फोर आर मेन फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। सो नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड। इज इट डन बेटा? Yes, ma'am, yes. ओके, वेट, समवन इज सेइंग वेट। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी कहाँ प्रेजेंट था? यहाँ पर। अब हमारे गले में, यहाँ पर जहां पर हमारा वॉइस बॉक्स है ना, जस्ट उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, लेकिन हम उसे इतना फील नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन में, जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है, अगर हमें थायराइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन नॉट सेंस एज सच अनलेस यू प्रेस इट। प्रेस करोगे देन यू कैन फील लिटिल बिट, ठीक है। अब जो ये प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड, वो हमारी जो विंड पाइप है, विंड पाइप दैट इज गोइंग हियर, जो हमारी विंड पाइप यहां से जा रही है, इसके दोनों तरफ बटरफ्लाई शेप में प्रेजेंट है, ओके। सो आई शो यू हियर नाउ, इफ वी से दिस इज द विंड पाइप, ये विंड पाइप है, इसके जो है दोनों तरफ ये बटरफ्लाई की तरह ऐसे प्रेजेंट है। सो दिस इज थायराइड ग्लैंड, इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है बटरफ्लाई शेप में, इट इज थायराइड ग्लैंड एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, नोट डाउन, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। जैसे स्मॉलेस्ट क्या था? पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। अब इसके बारे में वैसे जैसे पिट्यूटरी के बारे में लिखा था, पॉइंट्स में लिखो, इट इज बटरफ्लाई शेप, इट इज बटरफ्लाई शेप, इट इज बटरफ्लाई शेप्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट्स करेक्ट फंक्शनिंग, इट्स करेक्ट फंक्शनिंग। सेकेंड पॉइंट, इट्स करेक्ट, करेक्ट मतलब सही, करेक्ट फंक्शनिंग, इट्स करेक्ट फंक्शनिंग डिपेंड्स ऑन अ गुड सप्लाई, डिपेंड्स ऑन अ गुड सप्लाई ऑफ आयोडीन। आयोडीन के नीचे अंडरलाइन करना, इट्स करेक्ट फंक्शनिंग डिपेंड्स ऑन अ, इट्स करेक्ट फंक्शनिंग डिपेंड्स ऑन अ गुड सप्लाई ऑफ आयोडीन फ्रॉम द डाइट, फ्रॉम द डाइट। तो हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था फ्रॉग में, मेटामॉर्फोसिस में, कि वो टैडपोल से एडल्ट नहीं बन रहा था जबकि वो पॉन्ड में था, आयोडीन की कमी थी। सो आयोडीन नहीं होगा, सो दैट मींस आर थायराइड ग्लैंड विल नॉट वर्क एफिशिएंटली, ओके। सो दैट इज द रीजन। अब थायराइड ग्लैंड टेबल पे आ जाओ नाउ, सेकेंड नोट डाउन, थायराइड, थायराइड, ओके। ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट टू हार्मोन्स, टीएसएच जिसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं T4, एंड द सेकेंड इज T3, T4 एंड T3 इट सिक्रीट, ठीक है। नाउ इट कंट्रोल्स, राइट डाउन बेटा, इट कंट्रोल्स ब्रेन फंक्शन, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट,
सिस्टम और अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म. मेन मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड. तो तभी कहते हैं ना, जब हमारी बॉडी में थायराइड जो है वर्क सही से नहीं करता बिकॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो जाता है. मेटाबॉलिज्म स्लो मतलब हमारी बॉडी में जो हमारी एनर्जी है दैट प्रोसेस इज स्लो डाउन एंड बिकॉज ऑफ दैट वी फील स्लीपी. ठीक है, हमें क्या लगता है, हमें नींद आई जा रही है. और क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज नाउ स्लो डाउन सो आवर बॉडी इज गेटिंग, और वी कैन से फैट इज नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड प्रॉपरली एंड वी आर गेटिंग ओबीस, और वी कैन से फैट, हम मोटे होते जाते हैं. ठीक है, सो दैट्स द रीजन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट हार्मोन, उसी फिगर पे आ जाओ. अब हम बेटा अभी हम सिर्फ ड्रॉ करते हैं, टेबल वी विल डू ऑन मंडे. ठीक है, सो यहाँ पर हमारी किडनी होती है, किडनीज आर प्रेजेंट हियर. अबव किडनीज ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड, इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट हियर अबव द किडनीज. ठीक है, देन वन मोर ग्लैंड जो स्टमक से टुवर्ड्स लीवर होता है दैट इज पैनक्रियास. पैनक्रियास, नाउ इन केस ऑफ फीमेल, नॉट ओनली इन द केस ऑफ फीमेल, ओवरीज, ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ फीमेल, राइट ऑन फीमेल में ही होता है वो. ठीक है, नाउ इफ मेल इज देयर, इफ दिस इज अ मेल, सो हियर टेस्टिस, टेस्टिस इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ मेल, सो दीज आर द सिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक. सिर्फ हमने छह पढ़ने बेटा, ओनली दीज सिक्स. दो को हमने अभी डिटेल में पढ़ लिया है. ओके, डू इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ये हो गया सबका, हैव यू नोटेड डाउन? ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स. Thank you, ma'am, for teaching us. Thanks for being
इसका यूज भी कहाँ करें? कहाँ ये इसमें कहाँ गया माउस, कहाँ गया? गया? अच्छा क्लास में